ईस्ट इम्फाल जिले के पोरमपाद पुलिस थाने पर हमला। ये तब हुआ जब मणिपुर पुलिस ने सेना की वर्दी पहनकर अत्याधुनिक हथियार लेकर घूमने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मणिपुर में अहिंसा का आलम यह है कि आम लोगों के साथ सुरक्षा कर्मी भी महफूज नहीं हैं। ताज़ा मामला सेना के जवान की शहादत का है। सेना के जवान के अलावा 3 और सुरक्षा कर्मी मणिपुर में इसी तरह मारे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय में जो रिपोर्ट सुरक्षा बल भेज रहे हैं उसमें ऐसे कई मामलों का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 175 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही 1108 लोगों के जख्मी होने की पुष्टि हो चुकी है। 32 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी FIR दर्ज की जा चुकी है। आगजनी के 5172 मामले सामने आए हैं। 386 धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त हुए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के तहत मणिपुर पुलिस लगातार सू कैंप्स पर निगरानी कर रही है, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ लोग वहां से बाहर आकर हिंसा कर रहे हैं। Every 15 days we are having a joint inspection of all the Sioux camps and we are noting down those who are present and those who are absent from the camp. So those people who are absent, the government is looking into ways of how to deal with it. This is one very unfortunate happening which has created a lot of insecurity after the loss of so many weapons from the police armory. So now for this one, one of the main measures that we are now taking up is that we are setting up police nakas on very crucial areas. सुरक्षा बलों की बड़ी दिक्कत महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने में आ रही है, जो जगह जगह उनका रास्ता रोक रही हैं। शुरुआती हिस्से में जो लोग शामिल थे वो एक भीड़ थी, लेकिन अब इस हिंसा पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। और अब अगर केंद्रीय बलों और सेना को इस माहौल में मणिपुर की तरह लंबे समय तक लड़ना पड़ा तो उन्हें बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी। More logistics than what they could bring it by here. हाल फिलहाल में सुरक्षा बलों ने कई लूटे गए हथियार जब्त किए हैं, लेकिन इनकी संख्या अभी बहुत कम है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 5000 लूटे गए हथियारों में से सिर्फ 1329 वापस आए हैं, और जब तक सभी हथियार वापस जब्त नहीं किए जाते तब तक इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। गुवाहाटी से रत्नदीप के साथ नई दिल्ली से मैं नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।